आयुष्मान भारत योजना का लक्ष्य आर्थिक सुविधा देने का तो है ही, साथ में ऐसी व्यवस्था भी खड़ी की जा रही है जिसके कि आपको घर के पास ही इलाज की उत्तम सुविधा मिल जाए। प्रधानमंत्री जी के इसी संकल्प को हमने जिया है पिछले 3 वर्षों में। सेवा और उत्कृष्टता के मापदंडों पर ही आधारित है हमारी विगत 3 वर्षों की यात्रा। 2 करोड़ से अधिक मुफ्त उपचार कर हमने स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम जन तक पहुंचाया है। ऐसा करते हुए हमने सुनिश्चित किया कि योजना का लाभ लिंग, उम्र या अन्य किसी भी प्रकार के भेदभाव के बगैर सभी जरूरतमंदों तक पहुंचे। योजना के तहत देश भर में महिला और पुरुष लाभार्थियों ने लगभग समान अनुपात में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया है। डॉक्टर ने आयुष्मान भारत का कार्ड देखा, डॉक्टर बोला आपका कोई पैसा नहीं लगेगा माता जी, आपका फ्री इलाज हुए। आयुष्मान भारत महिलाओं का सम्मान। और अब तक योजना से लाखों लाभार्थियों ने कैंसर, हृदय रोग, किडनी, लिवर जैसी बीमारियों का मुफ्त और सफल उपचार पाया है। अंतिम जन तक पहुंचने की दिशा में इस वर्ष आपके द्वार आयुष्मान कैंपेन के तहत लगभग 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। आयुष्मान भारत पीएम जय योजना की कामयाबी की करोड़ों कहानियां योजना और उसके कार्यान्वयन में उत्कृष्टता की साक्षी है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभार्थियों को कैशलेस और पेपरलेस स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। स्टेक होल्डर्स के यूजर एक्सपीरियंसेस को और बेहतर बनाने के लिए आईटी प्लेटफॉर्म में लगातार नवाचारों का समावेश किया गया है। नित नए अस्पताल आयुष्मान भारत पीएम जय से जुड़ रहे हैं और आज 24,000 अस्पतालों के एक बड़े नेटवर्क के माध्यम से लाभार्थियों तक उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ पैकेजेस को लगातार रैशनलाइज कर नए स्वास्थ्य पैकेज जोड़े गए। सेवा हमारा लक्ष्य है और उत्कृष्टता हमारी परंपरा, और हम इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद। देश मना रहा है आजादी का 75वां साल। इस अवसर पर आयुष्मान भारत की 75 महिला लाभार्थियों की हिम्मत और हौसलों की कहानियां समेट कर कॉफी टेबल बुक का 3रा संस्करण तैयार किया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आदर पूर्वक आग्रह करती हूं कि कृपया कॉफी टेबल बुक आत्मनिर्भर नारी आयुष्मान भारत 75 स्टोरीज ऑफ रेजिलियंस एंड करेज का लोकार्पण करें। गुणवत्ता युक्त इलाज के साथ साथ महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आयुष्मान भारत पीएम जय योजना निरंतर कार्यरत है, और आज उसी का परिणाम है कि 2 करोड़ से ज्यादा मुफ्त उपचार प्रदान किए जा चुके हैं, जिसमें से लगभग आधी संख्या महिलाओं की है। पीएम जय के वार्षिक कॉफी टेबल बुक के 3रे संस्करण में संजोया गया है देश के हर कोने से ऐसे 75 महिला लाभार्थियों की कहानियां, जिन्हें योजना के अंतर्गत बीमारी से लड़ने के लिए आयुष्मान भारत के आत्मविश्वास और हौसला दिया है। और यह पुस्तक समर्पित है देश व समाज के लिए अतुलनीय योगदान देने वाली नारी शक्ति को। सभी को उत्तम इलाज मिले, बराबरी से मिले, तभी तो होगी नारी आत्मनिर्भर और होगा भारत आयुष्मान। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिससे हर देशवासी के पास होगी एक अपनी हेल्थ आईडी, उपलब्ध होगा एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसकी मदद से देश के हर हिस्से में उन्हें सुलभ होंगी स्वास्थ्य सेवाएं। उनके पास उपलब्ध होगा उनके स्वास्थ्य का डिजिटल रिकॉर्ड, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं का सरल आदान प्रदान संभव हो पाएगा। अब वो बहुप्रतीक्षित पल आ गया है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध निवेदन है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का राष्ट्रव्यापी लॉन्च करें। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 130 करोड़ भारतवासियों के स्वास्थ्य हित में एक सपना देखा, सपना डिजिटल हेल्थ का, जिससे एक ऐसा भारत बने जहां हर भारतीय, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, जरूरत पड़ने पर
स्वास्थ्य समाधान के लिए किसी पेपर वर्क, रसीद या किसी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित न हो। अब उसके मोबाइल में या कंप्यूटर में ही हर वो डेटा हो जिसका लाभ उठाकर वो अपनी हर स्वास्थ्य समस्या का निदान कर सके। ये है नए भारत की नई उड़ान, नया अभियान, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस महाअभियान का शुभारंभ किया और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिशन के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हो, पैसा जमा करना हो, अस्पताल में पर्ची बनवाने की भागदौड़ हो, तमाम दिक्कतें नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के माध्यम से अनेक मुसीबतों से मुक्ति मिलेगी और उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमारा कोई भी नागरिक सही फैसले कर पाएगा, ये व्यवस्था उसे होने वाली है। आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, हर भारतवासी के लिए अमृत साबित होने वाले आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। अब हर देशवासी स्वेच्छा से अपनी यूनिक हेल्थ आईडी प्राप्त कर सकेगा, जिसमें उसका पूरा हेल्थ रिकॉर्ड, जैसे उसकी बीमारी की जानकारी, डॉक्टर द्वारा बताई दवा की जानकारी, लैब रिपोर्ट, दाखिले और डिस्चार्ज का सारांश होगा। इस योजना से न केवल लाभार्थी घर से ही किसी भी जगह के डॉक्टर्स की जानकारी ले सकेंगे, बल्कि वो उनसे अपॉइंटमेंट ले या टेलीफोन से परामर्श कर बीमारी के उपचार के लिए सही दवा और सुझाव भी ले पाएंगे। इस जानकारी का डिजिटल रिकॉर्ड भी बन जाएगा, जिसको लाभार्थी अपनी सुविधा अनुसार किसी अन्य डॉक्टर से साझा भी कर सकेंगे। लाभार्थी के स्वास्थ्य संबंधी सभी रिकॉर्ड पूर्ण रूप से गोपनीय रहेंगे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत डिजिटल सूचियां होंगी, जिनमें अस्पताल, फार्मेसी, स्वास्थ्य सुविधा केंद्र, डॉक्टर और सभी जरूरी लोगों को शामिल किया जाएगा। इसमें आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ साथ आयुष व अन्य सभी पद्धतियां भी शामिल होंगी। यही नहीं, अपने हेल्थ आईडी के जरिए देशवासी देश की अन्य सभी स्वास्थ्य योजनाओं जैसे पीएम जय, आरबीएसके, निक्षय, एनएचएम आदि से भी जुड़ सकेंगे। स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वालों को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नए अवसर भी प्रदान करेगा। ये बस एक मिशन नहीं, एक संकल्प है। भारत का करना कायाकल्प है। स्वास्थ्य सेवाएं अब होंगी डिजिटल, स्वस्थ होगा भारत का कल। आइए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं, स्वस्थ और सुखी भारत बनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का तोहफा देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं अत्यंत आदर भाव के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि अपने प्रेरणादायी और ओजस्वी उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्कार। कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिपरिषद के मेरे साथी स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी, मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सभी सहयोगी, वरिष्ठ अधिकारीगण, देश भर से जुड़े सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के चिकित्सक, हेल्थ मैनेजमेंट से जुड़े लोग, कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, 21वीं सदी में आगे बढ़ते हुए भारत के लिए आज का दिन
बहुत महत्वपूर्ण है। बीते 7 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का जो अभियान चल रहा है वो आज से एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है और ये सामान्य चरण नहीं है, ये असामान्य चरण है। आज एक ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही है जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की बहुत बड़ी ताकत है। साथियों, 3 साल पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के अवसर पर पंडित जी को समर्पित आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू हुई थी। मुझे खुशी है कि आज से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी पूरे देश में शुरू किया जा रहा है। ये मिशन देश के गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज में होने वाली जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से मरीजों को पूरे देश के हजारों अस्पतालों से कनेक्ट करने का जो काम आयुष्मान भारत ने किया है आज उसे भी विस्तार मिल रहा है, एक मजबूत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म मिल रहा है। साथियों, आज भारत में जिस तरह टेक्नोलॉजी को गुड गवर्नेंस के लिए गवर्नेंस सुधारने का एक आधार बनाया जा रहा है वो अपने आप में जन सामान्य को एम्पावर कर रहा है, यह अभूतपूर्व है। डिजिटल इंडिया अभियान ने भारत के सामान्य मानवी को डिजिटल टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करके देश की ताकत अनेक गुना बढ़ा दी है। अब हम भलीभांति जानते हैं, हमारा देश गर्व के साथ कह सकता है 130 करोड़ आधार नंबर, 118 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स, लगभग 80 करोड़ इंटरनेट यूजर, करीब 43 करोड़ जनधन बैंक खाते, इतना बड़ा कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में कहीं नहीं है। ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर राशन से लेकर प्रशासन तक हर एक को तेज और पारदर्शी तरीके से सामान्य भारतीय तक पहुंचा रहा है। यूपीआई के माध्यम से कभी भी कहीं भी डिजिटल लेनदेन में आज भारत दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। अभी देश में जो ई रूपी वाउचर शुरू किया गया है वो भी एक शानदार पहल है। साथियों, भारत के डिजिटल समाधानों ने कोरोना से लड़ाई में भी हर भारतीय को बहुत मदद की है, एक नई ताकत दी है। अब जैसे आरोग्य सेतु ऐप
आरोग्य सेतु ऐप से कोरोना संक्रमण के फैलते हुए रोकने में एक सजगता लाना, जागृति लाना, पूरी परिस्थितियों को पहचानना, अपने आसपास के परिसर को जानना, इसमें आरोग्य सेतु ऐप ने बहुत बड़ी मदद की है। उसी प्रकार से सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, इस अभियान के तहत भारत आज करीब करीब 90 करोड़ वैक्सीन डोज लगा पाया है और उसका रिकॉर्ड उपलब्ध हुआ है, सर्टिफिकेट उपलब्ध हुआ है। तो इसमें कोविन का बहुत बड़ा रोल है। रजिस्ट्रेशन से लेकर सर्टिफिकेशन तक का इतना बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के बड़े बड़े देशों के पास नहीं है। साथियों, कोरोना काल में टेली मेडिसिन का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। ई संजीवनी के माध्यम से अब तक लगभग 125 करोड़ रिमोट कंसल्टेशन पूरे हो चुके हैं। ये सुविधा हर रोज देश के दूर सुदूर में रहने वाले हजारों देशवासियों को घर बैठे ही शहरों के बड़े अस्पतालों के बड़े बड़े डॉक्टरों से कनेक्ट कर रही है। जाने माने डॉक्टरों की सेवा आसान हो सकी है। मैं आज इस अवसर पर देश के सभी डॉक्टरों, नर्सेस और मेडिकल स्टाफ का हृदय से बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। चाहे वैक्सीनेशन हो, कोरोना के मरीजों का इलाज हो, उनके प्रयास कोरोना से मुकाबले में देश को बड़ी राहत दे पाए हैं, बहुत बड़ी मदद कर पाए हैं। साथियों, आयुष्मान भारत पीएम जय ने गरीब के जीवन की बहुत बड़ी चिंता दूर की है। अभी तक 2 करोड़ से अधिक देशवासियों ने इस योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ उठाया है और इसमें भी आधी लाभार्थी हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। ये अपने आप में सुकून देने वाली बात है, मन को संतोष देने वाली बात है। हम सब जानते हैं हमारे परिवारों की स्थिति, सस्ते इलाज के अभाव में सबसे अधिक तकलीफ देश की माताएं बहनें ही उठाती हैं। घर की चिंता, घर के खर्चों की चिंता, घर के दूसरे लोगों की चिंता में हमारी माताएं बहनें अपने ऊपर होने वाले इलाज के खर्च को हमेशा टालती रहती हैं, लगातार टालने की कोशिश करती हैं। वो ऐसे ही कहते हैं, नहीं हाँ अब ठीक हो जाएगा, नहीं नहीं अब ये तो एक दिन का मामला है, नहीं नहीं ऐसे ही एक पुड़िया ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा। क्योंकि मां का मन है ना, वे दुख झेल लेती है लेकिन परिवार पर कोई आर्थिक बोझ आने नहीं देती है। साथियों, जिन्होंने आयुष्मान भारत के तहत अभी तक इलाज का लाभ लिया है या फिर जो उपचार करा रहे हैं, उनमें से लाखों ऐसे साथी हैं जो इस योजना से पहले अस्पताल जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते थे, टालते रहते थे, वो दर्द सहते थे, जिंदगी की गाड़ी किसी तरह खींचते रहते थे, लेकिन पैसे की कमी की वजह से
अस्पताल नहीं जा पाते थे। इस तकलीफ का एहसास ही हमें भीतर तक झकझोर देता है। मैं ऐसे परिवारों से मिला हूं इस कोरोना काल में, और उसके पहले ही आयुष्मान की जब जो लोग सेवाएं लेते थे, कुछ बुजुर्ग ये कहते थे कि मैं इसलिए उपचार नहीं कराता था क्योंकि मैं अपने संतानों पर कोई कर्ज छोड़कर के जाना नहीं चाहता था। कुछ सहन कर लेंगे, हो सकता है जल्दी जाना पड़े, ईश्वर बुला ले तो चले जाएंगे, लेकिन बच्चों पर, संतानों पर कोई आर्थिक कर्ज छोड़कर के नहीं जाना है, इसलिए उपचार नहीं कराते थे। और यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित हमसे ज्यादातर ने अपने परिवार में, अपने आसपास ऐसे अनेकों लोगों को देखा होगा। हमसे ज्यादातर लोग इसी तरह की चिंताओं से खुद भी गुजरे हैं। साथियों, अभी तो कोरोना काल है, लेकिन उससे पहले मैं देश में जब भी प्रवास करता था, राज्यों में जाता था, तो मेरा प्रयास रहता था कि आयुष्मान भारत के लाभार्थियों से मैं जरूर मिलूं। मैं उनसे मिलता था, उनसे बातें करता था, उनके दर्द, उनके अनुभव, उनके सुझाव मैं उनसे सीधा लेता था। ये बात वैसे मीडिया में या और सार्वजनिक रूप से ज्यादा चर्चा में नहीं आई, लेकिन मैंने इसको अपना नित्य क्रम बना दिया था। आयुष्मान भारत के सैकड़ों लाभार्थियों से मैं खुद रूबरू मिल चुका हूं, और मैं कैसे भूल सकता हूं उस बूढ़ी मां को जो बरसों तक दर्द सहने के बाद पथरी का ऑपरेशन करा पाई, वो नौजवान जो किडनी की बीमारी से परेशान था, किसी को पैर में तकलीफ, किसी को रीढ़ की हड्डी में तकलीफ, उनके चेहरे मैं कभी भूल नहीं पाता हूं। आज आयुष्मान भारत ऐसे सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा संबल बनी है। थोड़ी देर पहले जो फिल्म यहां दिखाई गई, जो कॉफी टेबल बुक लॉन्च की गई, उसमें खास करके उन माताओं बहनों की चर्चा विस्तार से की गई है। बीते 3 सालों में जो हजारों करोड़ रुपए सरकार ने वहन किए हैं, उससे लाखों परिवार गरीबी के कुचक्र में फंसने से बचे हैं। कोई गरीब रहना नहीं चाहता है, कड़ी मेहनत करके गरीबी से बाहर निकलने के लिए हर कोई कोशिश करता है, अवसर तलाशता है। कभी तो लगता है कि हां बस अब कुछ ही समय में गरीबी से बाहर आ जाएगा, और अचानक परिवार में एक बीमारी आ जाए तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है, फिर वो 5-10 साल पीछे उस गरीबी के चक्कर में फंस जाता है। बीमारी पूरे परिवार को गरीबी के कुचक्र से बाहर नहीं आने देती है, और इसलिए आयुष्मान भारत सहित हेल्थ केयर से जुड़े जो भी समाधान सरकार सामने ला रही है, वो देश के वर्तमान और भविष्य में एक बहुत बड़ा निवेश है। भाइयों और बहनों, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अस्पतालों में प्रक्रियाओं को सरल बनाने के साथ ही ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ाएगा। वर्तमान में अस्पतालों में टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल होता है वो फिलहाल सिर्फ एक ही अस्पताल तक या एक ही ग्रुप तक सीमित रहता है। नए अस्पताल
या नए शहर में जब मरीज जाता है तो उसको फिर से उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स के अभाव में उसको सालों साल से चली आ रही फाइलें लेकर चलना पड़ता है। इमरजेंसी की स्थिति में तो ये भी संभव नहीं होता है। इससे मरीज और डॉक्टर दोनों का बहुत सा समय भी बर्बाद होता है, परेशानी भी ज्यादा होती है और इलाज का खर्च भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से लोगों के पास अस्पताल जाते समय उनका मेडिकल रिकॉर्ड ही नहीं होता। ऐसे में जो डॉक्टरी जो परामर्श होता है, जांच होती है, वो उसको बिल्कुल जीरो से शुरू करनी पड़ती है, नए सिरे से शुरू करनी पड़ती है। मेडिकल हिस्ट्री का रिकॉर्ड न होने से समय भी ज्यादा लगता है, खर्च भी बढ़ता है और कभी कभी तो उपचार कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो जाता है। और हमारे गांव देहात में रहने वाले भाई बहन तो इस वजह से बहुत परेशानी उठाते हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टरों की कभी अखबार में एडवर्टाइजमेंट तो होती नहीं है। कानों कान बात पहुंचती है कि फलाने डॉक्टर अच्छे हैं, मैं गया था तो अच्छा हुआ। अब इसके कारण डॉक्टरों की जानकारी हर किसी के पास पहुंचेगी भी, हाँ कौन ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर हैं, कौन इस विषय के जानकार है, किसके पास पहुंचना चाहिए, नजदीक में कौन है, जल्दी कहां पहुंच सकते हैं, सारी सुविधाएं। और आप जानते हैं, और मैं और एक बात कहना चाहूंगा, इन सभी नागरिकों को इस तरह की परेशानी से मुक्ति दिलाने में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन बड़ी भूमिका निभाएगा। साथियों, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अब पूरे देश के अस्पतालों के डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। इसके तहत देशवासियों को अब एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी। हर नागरिक का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित रहेगा। डिजिटल हेल्थ आईडी के माध्यम से मरीज खुद भी और डॉक्टर भी पुराने रिकॉर्ड को जरूरत पड़ने पर चेक कर सकता है। यही नहीं, इसमें डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक जैसे साथियों का भी रजिस्ट्रेशन होगा। देश के जो अस्पताल है, क्लिनिक है, लैब्स हैं, दवा की दुकानें हैं, ये सभी भी रजिस्टर होगी। यानी ये डिजिटल मिशन हेल्थ से जुड़े हर स्टेक होल्डर को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर लाएगा। साथियों, इस मिशन का सबसे बड़ा लाभ देश के गरीबों और मध्यम वर्ग को होगा। एक सुविधा तो ये होगी कि मरीज को देश में कहीं पर भी ऐसा डॉक्टर ढूंढने में आसानी होगी जो उसकी भाषा भी जानता है, समझता है और उसकी बीमारी के उत्तम से उत्तम उपचार का वो अनुभवी है। इससे मरीजों को देश के किसी कोने में भी उपस्थित स्पेशलिस्ट डॉक्टर से संपर्क करने की सहूलियत बढ़ेगी। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि बेहतर टेस्ट के लिए लैब्स और दवा दुकानों की भी पहचान आसानी से संभव हो पाएगी। साथियों, इस आधुनिक प्लेटफॉर्म से इलाज और हेल्थ केयर पॉलिसी मेकिंग में से जुड़ा पूरा इकोसिस्टम और अधिक प्रभावी होने वाला है। डॉक्टर और अस्पताल इस प्लेटफॉर्म का उपयोग
अपनी सर्विस को रिमोट हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने में कर पाएंगे। प्रभावी और विश्वस्त डेटा के साथ इससे इलाज भी बेहतर होगा और मरीजों को बचत भी होगी। भाइयों और बहनों, देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सहज और सुलभ बनाने का जो अभियान आज पूरे देश में शुरू हुआ है, ये 6-7 साल से चल रही सतत प्रक्रिया का एक हिस्सा है। बीते वर्षों में भारत ने देश में आरोग्य से जुड़ी दशकों की सोच और अप्रोच में बदलाव किया है। अब भारत में एक ऐसे हेल्थ मॉडल पर काम जारी है जो होलिस्टिक हो, समावेशी हो, एक ऐसा मॉडल जिसमें बीमारियों से बचाव पर बल हो, यानी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, बीमारी की स्थिति में इलाज सुलभ हो, सस्ता हो और सबकी पहुंच में हो। योग और आयुर्वेद जैसी आयुष की हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति पर बल हो, ऐसे सभी प्रोग्राम गरीब और मध्यम वर्ग को बीमारी के कुचक्र से बचाने के लिए शुरू किए गए। देश में हेल्थ इंफ्रा के विकास और बेहतर इलाज की सुविधाएं देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए नई स्वास्थ्य नीति, हेल्थ पॉलिसी, स्वास्थ्य नीति बनाई गई। आज देश में एम्स जैसे बहुत बड़े और आधुनिक स्वास्थ्य संस्थानों का नेटवर्क भी तैयार किया जा रहा है। हर 3 लोकसभा क्षेत्र के बीच एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी प्रगति पर है। साथियों, भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि गांवों में जो चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं उनमें सुधार हो। आज देश में गांव और घर के निकट ही प्राइमरी हेल्थ केयर से जुड़े नेटवर्क को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में उससे सशक्त किया जा रहा है। अभी तक ऐसे लगभग 80,000 सेंटर्स चालू हो चुके हैं। ये सेंटर्स रूटीन चेकअप और टीकाकरण से लेकर गंभीर बीमारियों की शुरुआती जांच और अनेक प्रकार के टेस्ट की सुविधाओं से लैस हैं। कोशिश ये है कि इन सेंटर्स के माध्यम से जागरूकता बढ़े और समय रहते गंभीर बीमारियों का पता चल सके। साथियों, कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को निरंतर गति दी जा रही है। देश के जिला अस्पतालों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। बच्चों के इलाज के लिए जिला और ब्लॉक के अस्पतालों में विशेष सुविधाएं बन रही हैं। जिला स्तर के अस्पतालों में अपने ऑक्सीजन प्लांट्स भी स्थापित किए जा रहे हैं। साथियों, भारत के हेल्थ सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मेडिकल एजुकेशन में भी अभूतपूर्व रिफॉर्म्स हो रहे हैं। 7-8 साल में पहले की तुलना में आज अधिक डॉक्टर्स और पैरामेडिकल मैनपावर देश में तैयार हो रही है। सिर्फ मैनपावर ही नहीं बल्कि हेल्थ से जुड़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी रिसर्च, दवाओं और उपकरणों में आत्मनिर्भरता को लेकर भी देश में मिशन मोड पर काम चल रहा है।
कोरोना की वैक्सीन के डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में भारत ने जिस तरह अपना सामर्थ्य दिखाया है वो हमें गर्व से भर देता है। स्वास्थ्य उपकरणों और दवाओं के कच्चे माल के लिए पीएलआई स्कीम से भी इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत ताकत मिल रही है। साथियों, बेहतर मेडिकल सिस्टम के साथ ही ये भी जरूरी है कि गरीब और मध्यम वर्ग का दवाओं पर कम से कम खर्च हो, इसलिए केंद्र सरकार ने जरूरी दवाओं, सर्जरी के सामान, डायलिसिस जैसी अनेक सेवाओं और सामान को सस्ता रखा है। भारत में ही बनने वाली दुनिया की श्रेष्ठ जेनरिक दवाओं को इलाज में ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। 8000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों ने तो गरीब और मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत दी है। और मैं जन औषधि केंद्र से जो दवाइयां लेते हैं ऐसे मरीजों से भी पिछले दिनों मुझे कई बार बात करने का मौका मिला और मैंने देखा है कुछ परिवार ऐसे उनको डेली कुछ दवाइयां लेनी पड़ती हैं, कुछ उम्र में कुछ बीमारियों के कारण। इस जन औषधि केंद्र के कारण ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार 1000, 1500, 2000 रुपया हर महीना बच रहा है। साथियों, एक संयोग ये भी है कि आज का ये कार्यक्रम वर्ल्ड टूरिज्म डे पर आयोजित हो रहा है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि हेल्थ केयर के प्रोग्राम का टूरिज्म से क्या लेना देना, लेकिन हेल्थ का टूरिज्म के साथ एक बड़ा मजबूत रिश्ता है, क्योंकि जब हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड होता है, मजबूत होता है, तो उसका एक सकारात्मक प्रभाव टूरिज्म सेक्टर पर भी पड़ता है। क्या कोई टूरिस्ट ऐसी जगह जाना चाहेगा जहां किसी इमरजेंसी में इलाज की बेहतर सुविधा ही न हो? और कोरोना के बाद से तो अब ये और भी महत्वपूर्ण हो गया है। जहां वैक्सीनेशन जितना ज्यादा होगा, टूरिस्ट वहां जाने में उतना ही सेफ महसूस करेंगे। और आपने देखा होगा, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, गोवा हो, ये जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन वाले राज्य हैं, वहां बहुत तेजी से, अंडमान निकोबार हो, बहुत तेजी से वैक्सीनेशन को बल दिया गया है, क्योंकि टूरिस्टों के लिए मन में एक विश्वास पैदा हो। आने वाले वर्षों में ये बात निश्चित है कि सारे फैक्टर और भी मजबूत होंगे। जिन जिन जगहों पर हेल्थ इंफ्रा बेहतर होगा, वहां टूरिज्म की संभावनाएं और ज्यादा बेहतर होगी। यानी हॉस्पिटल और हॉस्पिटैलिटी और एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे। साथियों, आज दुनिया का भरोसा भारत के डॉक्टर्स और हेल्थ सिस्टम पर लगातार बढ़ रहा है। विश्व में हमारे देश के डॉक्टरों ने बहुत इज्जत कमाई है, भारत का नाम ऊंचा किया है। दुनिया के बड़े बड़े लोगों के साथ आप पूछोगे तो कहेंगे, हां, मेरा एक डॉक्टर हिंदुस्तानी है। यानी भारत के डॉक्टरों की नामना है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मिल जाए तो दुनिया से हेल्थ के लिए भारत आने वालों की संख्या बढ़नी बढ़नी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कई मर्यादाओं के बीच भी लोग भारत में ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं, और उसकी कई के भी तो बड़ी इमोशनल कथाएं हमें सुनने को मिलती। छोटे छोटे बच्चे हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों से भी जब यहां आते हैं, स्वस्थ होकर के जाते हैं, पूरा परिवार खुश, उस देश में भी खुशियां फैल जाती है। साथियों, हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम, कोविन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और फार्मा सेक्टर ने हेल्थ सेक्टर में भारत की प्रतिष्ठा को और बढ़ाया है। जब आयुष्मान भारत
डिजिटल मिशन द्वारा टेक्नोलॉजी की नई व्यवस्थाएं विकसित होगी तो दुनिया के किसी भी देश के मरीज को भारत के डॉक्टरों से कंसल्ट करने, इलाज करने, अपनी रिपोर्ट उन्हें भेजकर परामर्श लेने में बहुत आसानी हो जाएगी। निश्चित तौर पर इसका प्रभाव हेल्थ टूरिज्म पर भी पड़ेगा। साथियों, स्वस्थ भारत का मार्ग आजादी के अमृतकाल में भारत के बड़े संकल्पों को सिद्ध करने में, बड़े सपनों को साकार करने के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें मिलकर अपने प्रयास जारी रखने होंगे। मुझे विश्वास है चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े सभी व्यक्ति, हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, चिकित्सा संस्थान इस नई व्यवस्था को तेजी से आत्मसात करेंगे। एक बार फिर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए मैं देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद, हार्दिक आभार माननीय प्रधानमंत्री जी, और हम माननीय मंत्रीगण और देश भर से हमारे साथ जुड़े सभी गणमान्य अतिथिगण का भी धन्यवाद करते हैं। नमस्कार।